राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ इच्छिमा में। और आज हम आप लोगों को कुछ जो सामान है वो दिखाएंगे। और अब की बार की जो शॉपिंग है ना वो थोड़ी सी हटके की है। क्या क्या सामान लिया है वो जो सारा सामान है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी माँ भी बैठी है पास में, देखने खातर एक्साइटेड हो रही थी कि मैं भी देखूंगी भाई एक के सामान आया होया करा, भाई नई चीज का सबने होया करा। कल कमेंट भी आ रहा था कि मेरे को शॉपिंग करना और शॉपिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। भाई सच बताऊं, मैं बिना शॉपिंग ब्लॉग बहुत खुश होके देखती हूँ। मतलब जैसे अब तो इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं भाई ब्लॉग देखूँ सबके। और अब जैसे ये कांड सा हुआ था, इस पाछे तो मैंने यूट्यूब पे देखनी छोड़ रखी है सच बताऊं, क्योंकि अब मैं किसी का भी ब्लॉग नहीं देखती। पहले ये होता था कि मैं बहुत सारे लोग थे जिनके ब्लॉग मैं देख लेती थी, और अब तो पता नहीं क्यों उनके भी नहीं देखती, क्योंकि मुझे ये होता है कि यूट्यूब खोल लेंगे कुछ ना कुछ ऐसा वैसा आगे आएगा, दिमाग खराब होने वाली बात है, तो इस करके मैं बहुत कम देखती हूँ। वरना मेरे को शॉपिंग ब्लॉग देखना, जिसके भी मैं देखती थी उनका और ब्लॉग मैं मिस कर देती थी, लेकिन शॉपिंग ब्लॉग मैं कभी मिस नहीं करती थी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आप लोगों को जो सामान है ना वो दिखाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लिया है? राम राम जी मेरी भी। हाँ, कई दिन में फिट है भाई मेरी माँ। भाई सारे ढेर सारा प्यार दियो सीमा के ब्लॉग में। पहले तो मैंने एक ये जो बैग है ना वो मंगवाया है, ये वाला। जैसे इसमें ना हम अपने जो नए सूट है ना वो डाल करके रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है अलमारी में अगर हम रखते हैं ना तो फिर अलमारी से तो जो कपड़े हैं वो निकलते रहते हैं, फिर उनकी जो तह वगैरह है प्रेस है, जैसे कई बार हम रैकिंग करवा के भी रख देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो मैंने जो पन्नी लिफाफे जो भी बोलते हैं सूटों के वो मैंने मंगवा रखे, उनमें डाले। और अपने जो नए सूट हैं जो हम कभी कभार ही डालते हैं शादी पार्टी में तो वो हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मतलब ये नहीं कि भी जल्दी से, जैसे पहले भी मैंने मंगवाए थे इस टाइप के बैग, लेकिन उनके ऊपर का जो ये फैब्रिक था ना वो बहुत ऐसा था, मतलब कागज के जैसा फटने वाला, अगर उसमें थोड़ा सा ज्यादा सामान डाल दिया ना और जैसे ऐसे पकड़ के खींच लिया तो वो खराब हो गया। और ये जो चीज थी ना उसमें, ये भी बहुत ही हल्की क्वालिटी की थी। ठीक है, लेकिन ये जो बैग है ना वो कई सालों तक या सालों साल तक खराब नहीं होने वाला है आपका। आप सारी उम्र चाहे यूज कर लियो, वह चीज है, खराब नहीं होगी बिल्कुल भी। तो देखो इसमें एक तो यहाँ पे ये दे रखा है यहां से, और एक और है ऊपर से। ये इसमें बिल्कुल जो हमारे बैग आते हैं ना जैसे हम लेकर के जाते हैं वो फैब्रिक लगा हुआ है ये वाला। और ये चीज है ना ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, खराब होने वाली नहीं है। यहां से आप खोल करके और अपने जो सूट है ना, बहुत सारे सूट आपके इसके अंदर आ जाएंगे। देखो कितना बड़ा है ये, देखो इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और ये भी है जो सूट है वो आप लोगों को देखने में भी आसानी रहेगी, बाहर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा सूट कहाँ पे रखा हुआ है। एक बढ़िया बात ये भी है, जैसे यहाँ से आप लोगों को जो चारों तरफ से ही ऐसे सूट दिख जाएंगे कि भाई आपका कौन सा जो सूट है ना वो इसमें, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं तो सारे जो बैग है वो कर देते हैं, और इसमें वो वाली जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो एक मैंने ये जो बैग है वो मंगवाया है, और यहाँ पे ये जो ग्रे कलर है वो है जो कि बहुत बढ़िया है। और जो दूसरा बैग है वो है ये वाला। ठीक है, एक बैग ये मंगवाया है, क्योंकि बैग तो मैंने बहुत मंगवा लिए, लेकिन कई बार ये हो जावे भाई सामान जैसे कोई आ रहा है अभी सामान डाल के दे दिया तो उसमें भी चले जावे हैं। और ये दो बैग गले सी बन रही है, मैं पांदे को नहीं। एक मैंने ग्रे कलर का बैग मंगवाया था वो तो मिलता है को नहीं, नहीं बेरा मंगवाया था और दिखाया था उसके बाद नू नहीं पता वो रख कड़ा दिया, तो भाई मैं रख के भूल रही हूँ मतलब कितने नहीं मिल रहा। तो और एक रेड है वो भी कई बार नू हो जाए भाई, नून नून रुड़ जावा है, तो इस करके फिर मैंने एक जो बैग है यो मंगवा लिया। और आराध्या का ऐसा काम है यो मंगवा लिया, इस पर नजर टेक लिया हमने कि हम यो मेरे लिए मंगवाया है, क्योंकि पहले भी जो सामान डालन खतर मैंने मंगवा रखा था जो हम बाहर आ जाने यूज किया करते उसमें भी इसने अपनी जो किताबें है ना वो डाल ली और स्कूल में ले जाने लगी, पुराने बैग ना छोड़ देगी और नए पर नजर रख लेगी, और फिर इसने ऐसा कर देगी दो चार दिन में बिल्कुल घिसरा शुरू किया चमक खराब, पर अब नहीं दूंगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक
जो जेब है वो दी हुई है, छोटा मोटा हम कुछ सामान अपना डाल सकते हैं। एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है ये वाली, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, बहुत सारा जो सामान है वो इसमें आ जाएगा। ये देखो, और एक ये, तो एक ये जो बैग है वो मंगवाया, क्योंकि जरूरत महसूस हो रही थी बैग की। मैंने कई बार तो बिल्कुल खड़े खड़ाए रह जावा थे, जैसे ही खाटू श्याम भी गए ना, तो बैग में सामान डाल लिया, फिर देखा वहाँ इसकी तो चेन्नई खराब हो रही है। लेकिन वो फिर भी नुए लेके जाना पड़ा, क्योंकि इतना टाइम था नहीं भाई उसमें, मैं हट के दोबारा बैग ढूंढ के उसमें डाल लेंगी। तो एक ये जो बैग है वो मंगवाया, ठीक है, और एक मंगवाया है मैंने ये वाला। पैकिंग देखो कितनी अच्छे से होकर के आती है, मतलब अगर कोई ऐसी चीज है ना टूटने फूटने वाली, तो उसको बहुत सेफ्टी के साथ ही भेजते हैं। ये यहाँ पे लगा हुआ था ताकि भाई यहाँ पे जो ग्लास लगा हुआ ना वो ना टूटे। और ये देखो, ये मैंने 6 स्लॉट का जो वॉच बॉक्स है वो मंगवाया, ब्लैक कलर का है। यहाँ पे पूरा जो इस पे काम हो रखा वो लेदर का है, और यहाँ पे जो ग्लास है वो लगा हुआ, दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए इस तरह से इसका लॉक है, ये देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है अंदर की तरफ भी, और इसमें आप अपनी जो घड़ियाँ हैं वो रख सकते हैं। तो ये है कि आपकी जो घड़ी है वो भी सेफ रहेगी, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में वैसे उतार करके रख देते हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल के आगे, तो गिर जाती है, उसका जो ग्लास होता है आगे, मतलब जो शीशा होता है वो तड़क जाता है। तो इसमें आप रख सकते हैं, आपकी घड़ी सेफ भी रहेगी और अच्छी भी लगेगी रखी हुई। बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज है ये, आप थोड़ा सा बड़ा भी मंगवा सकते हो, मतलब 8 उसका स्लॉट का भी आता है और 6 स्लॉट का भी आता है, ठीक है। तो ये मैंने 6 का मंगवाया है, पहले भी मैंने मंगवाया था। ये देखो एक घड़ी इसमें वैसे रख रखी है, तो इसलिए वो नीचे जा रही है। ये देखो इसमें मैंने अपनी जो घड़ियां हैं वो रख रखी हैं, और ये भाई किसी और के लिए, ये मैंने अपने लिए खुद के लिए मंगवाया था, ये किसी और के लिए है। तो इस तरह से है, ठीक है। और जो अगली चीज है वो है एक कुर्ती, जिसका मैं बहुत वेट कर रही थी कि कब आएगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। तो ये देखिए, ये देखो इस तरह से जो वी शेप में गला है ना इसका, वो बना हुआ है, और इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन है, सुहाने वाला। ये नहीं कि भाई नहीं सुहाएगा, क्योंकि इसको ऊपर से देख करके ऐसा लगता है कि भाई शायद ये गर्मियों में ना सुहाए, कोई इनर वगैरह भी नहीं लगा है, कॉटन फैब्रिक है। बस इस पे जो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना, ये चिकन का हो रखा है, ठीक है, इस तरह से। ये है जो अनारकली कुर्ती आती है ना वो है ये, ये देखो ये, और नीचे से इस तरह से जो कटवर है ना वो रखा है, साथ में जाली सी है। इसकी मैं फोटो लगा दूंगी साइड में, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। और बाजू इस तरह से हैं, बाजू में भी यहाँ पे जो कटवर है वो दिया हुआ है, ये देखिए। और मुझे भी ये था कि कहीं गर्मी में ना सुहाए, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्मियों में भी हम इसको आसानी से पहन सकते हैं। अभी कॉटन है और कलर मैरून है, और जो इस पे चिकन का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो रखा है। तो एक जो कुर्ती है मैंने वो मंगवाई है, और एक मंगवाई भाई मैंने ये डाबर अनमोल, क्योंकि ये ना मैं इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ 1 लीटर, पहले भी मंगवाया था, वो बिल्कुल थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए एक जो बोतल है वो मैंने अब मंगवा ली है, ठीक है, क्योंकि इसकी ना ज़रूरत पड़ती रहती है और काफ़ी अच्छा भी होता है। तो एक मैंने ये मंगवाया है। तो भाई ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, और इनमें से अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आती है, क्योंकि फिर कमेंट आते रहते हैं, बता देती हूँ मैं कि भाई जो भी सामान आपको पसंद आए, सभी चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये जो सारी शॉपिंग है वो मैंने की है अमेजोन से, क्योंकि भाई अमेजोन पे 5 से 9 अगस्त तक जो ग्रेट फ्रीडम सेल है वो चली हुई है, तो आप लोग भी सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। और फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड आप जो भी प्रोडक्ट लोगे, तो उसको उस पर आप लोगों को 50 से 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पे ऑन डिलीवरी है, यानी डिलीवरी होने पर भी आप लोग
पैसे दे सकते हो और फर्स्ट ऑर्डर पे जो डिलीवरी है वो फ्री होगी। 1000 प्लस जो ब्रांड्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग कोई सामान मंगवा लेते हो, आप लोगों को पसंद नहीं आता है साइज वगैरह में, या फिर जो आप लोगों को क्वालिटी लगता है कि भी बढ़िया नहीं मिली, तो आप 30 दिनों के अंदर अंदर इजी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। फिर मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।